नमस्कार दोस्तों, मैं स्टॉक क्रेज की एक और वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मार्केट मंडे के दिन मार्केट क्लोज होने के बाद मैं आपको वीडियो बना रहा हूं। ये देखिए, ये 8-12 तारीख को, और ये इंडिया का टाइम नहीं है, ये सऊदी का टाइम है, ठीक है ना। तो मैं आज आपको तीन स्टॉक हिडन बर्ग, अगर मार्केट के मूवमेंट के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, आप लोग खुद ही समझदार हैं, समझ सकते हैं, और उसका असर भी आज मंडे के दिन देख लिया। मैं बात कर रहा हूँ कि अपना स्टाइल, अपना ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर जो ट्रेड है उसके लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है ना, स्विंग ट्रेड की या मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो भी बोल सकते हैं के लिए मैं तीन स्टॉक आपको बताता हूँ, तीनों का लॉजिक बताता हूँ। जो आपका स्टाइल है करते रहिए, हिडनबर्ग वर्ल्ड वार, सरकार का आना जाना, पॉलिसी, फेड रिपोर्ट, ये सब आते रहेगा, जाते रहेगा, ये मार्केट का हिस्सा है, इसे आप बच नहीं सकते हैं और इसे आपका छुटकारा भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपका जो अपना सेटअप है, अपने सेटअप पे काम कीजिए। तो जो मेरे सेटअप पे आ रहा है उसी सेटअप पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला स्टॉक है मेरा तीतागढ़ रेलवे, रेलवे का स्टॉक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1850 के आसपास में ये जो तीन बार रेसिस्टेंट लिया वहां से आया और वापस अब हमारे एंट्री स्टेशन पे आ गया है। ये जो चार्ट पैटर्न है ये 3 EMA चार्ट पैटर्न है। अगर आप नए हैं, अगर नहीं मालूम है तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं स्टॉक क्यूरिज पे, ये 3 EMA चार्ट पैटर्न, ठीक है। हम इस पे दो तरह का ट्रेड लेते हैं, जब जब ये लाइन के बीच में आता है, लाइन को टच करता है और कोई कैंडल बनाता है तो वहां से हम ले लेते हैं, और इसका SL हमारा ये 200 डेज का नीचे वाला लाइन जो है, ये ग्रीन वाला है, ये हमारा SL रहता है। एक ट्रेड ये होता है जिसको हम स्टेशन एंट्री बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा ट्रेड होता है जब कोई रेंज बनाए और रेंज को ब्रेकआउट दे, जैसे यहाँ पर प्रीवियस हाई बना, यहाँ पर हमारा स्टेशन एंट्री बना और ये पॉइंट पर हमारा ब्रेकआउट ट्रेड बना, ये फिर वापस हमारा स्टेशन एंट्री, ये अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। तो अब इस पे हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक इसने हाई बनाया था 1850 के बाद, उसके बाद से इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई और ये कैंडल का जमावड़ा देखिए 100 डेज के ऊपर, एक दिन, दो, तीन, चार, पाँच, मतलब पूरा एक हफ्ता यहाँ पर कैंडल बिताने के बाद आज के दिन यहाँ से रिवर्सल दिया। तो आप इसी के ऊपर अपनी पोजिशन बना सकते हैं। पहला टारगेट ही यही इसका जो प्रीवियस हाई है, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और इस सिचुएशन में SL रहेगा ये, ठीक है ना, SL 200 डेज का लाइन जो कि नहीं जाएगा जल्दी, मतलब 10 में से 9 बार आप जीतेंगे एक ही बार SL हिट होगा, ठीक है। तो या इसी कैंडल के नीचे का SL रख सकते हैं, जो भी आपको सुविधा लगे, लेकिन SL ओरिजिनल SL ये 200 डेज का लाइन के नीचे ही होता है और यहाँ से पहला टारगेट ही 1850 का है जो इजीली अचीवेबल है। तो तीतागढ़ रेलवे स्टेशन, रेलवे पर नजर बना के रखें, ये आपको स्टेशन का एंट्री दे रहा है और अच्छा रिस्क रिवार्ड मिलता है स्टेशन पे एंट्री का। दूसरा स्टॉक मेरा फार्मास्यूटिकल से है। मैं पिछले 3-4 महीने से बोल रहा हूँ कि फार्मा और केमिकल सेक्टर के स्टॉकों पर नजर बना के रखिए अगर पैसा कमाना है तो, ठीक है, क्योंकि रेलवे और डिफेंस चल चुके, बहुत ज्यादा चल चुके, केमिकल चल चुका, एग्रीकल्चर चल चुका, एग्रोकेमिकल चल चुका है, एक्चुअली अभी टाइम है फार्मा सेक्टर से चलने का। तो फार्मा सेक्टर की एक और कंपनी सुभेन फार्मा, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं 1018 के ऊपर बार बार असिस्टेंट अपना फेस कर रहा है। अब यहाँ पर एक्चुअली 1018 के ऊपर जाकर क्लोज हुआ है, तो कल के दिन अगर 1020 के ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ पर ब्रेकआउट के अपनी ट्रेडिंग ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पर SL आपका ये रहेगा, ठीक है ना, SL आपका ये रहेगा, ये कंसोलिडेशन का जल्दी ही वैसे ब्रेकआउट देगा, यहाँ पर आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। सुवेन फार्मा हो गया। तीसरा स्टॉक है मेरा जो फार्मास्यूटिकल से ही है, वो है कोपरन। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, API बनाने वाली कंपनी है, यहाँ पर कोपरन लिमिटेड है। ये देखिए बार बार लगभग 295 के ऊपर जाकर ये अपने आप को रेसिस्टेंट फेस कर रहा है और इसी पीरियड में देखिए, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ एंट्री स्टेशन पर एंट्री लेने का, एंट्री यहाँ पर हमारा एक SL बनता है, ठीक है, समझदार आदमी के लिए SL ये नहीं बनता है जो एक्सपीरियंस वाले हैं 3 EMA पे, क्योंकि उनका SL तब तक हिट नहीं होगा जब तक ये मूव, ये रेड वाले लाइन इस तरीके से क्रॉस ना हो जाए। इन्हीं लॉजिक के हिसाब से, नए लोगों के हिसाब से यहाँ पर हमारा एक SL बनता है, ठीक है ना। तो हम SL दे देंगे, मार्केट में SL देने से मत डरिए आप लोग, SL नहीं दीजिएगा तभी आपको डर है। अभी देखिए ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट दिया इसने, देख सकते हैं 200 डेज के ऊपर से मूव किया, यानी कि अपने स्टेशन से वापस मूव किया, ट्रेड लाइन के ऊपर दिया है, अब ये लेके जा रहा है आपको अपना प्रीवियस हाई का, क्योंकि ये तीसरा अटेम्प्ट करेगा ये ब्रेक करने का, 295 का ब्रियर जो है ये तीसरा अटेम्प्ट करने का,
ब्रेक करने का जो कि पॉसिबल है वो ब्रेक कर दे। और ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ब्रेक करने के बाद देखिए ये वाला जो लाइन है, जो 325 का जो लाइन है, ये इसका पहला टारगेट है। और सेकंड टारगेट, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में आए सारे के सारे तेजी देखने की मिल रही है, तो पहला दूसरा टारगेट इसका ऑल टाइम हाई जो कि 375 रुपया का है दोस्तों। तो ये तीन स्टॉक पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं, आने वाले वक्त में, आने वाले हफ्ते में अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं इसे स्विंग ट्रेड करके। फार्मास्यूटिकल्स पे लॉन्ग होने की कोशिश कीजिए, आप लोग लॉन्ग बने रहिए, अच्छा पैसा मिलेगा दोस्तों। थैंक यू।